हेलो फ्रेंड्स, आज 31 दिसंबर है 2019, साल का आखिरी दिन और ये महफिल हॉल से निकल गया हूँ और देखते हैं देहरादून में क्या सजावट की हुई है आज के दिन। मैंने इसका माइक नहीं लगाया एक्शन कैमरे का, हो सकता है थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो लेकिन क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड आप देख सकते हैं मार्केट, ये मॉल तो पिछले दिवाली से ही सजा हुआ है। ये मेरे लेफ्ट में ये देखो दून लाभ सेल्फी पॉइंट है। वैसे आज मसूरी में मेरे रूम बुक था, होटल रूम, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ पे। मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ भीड़ हो जाएगी रस्ते में, बेकार में मजा की जगह सजा हो जाएगी, तो आज मैं देहरादून में ही रहूँगा, यहीं की सजावट देखूँगा। हाँ, यहाँ पे कोई लाइटनिंग नहीं कर सकती घंटा घर पे। जाम कुछ खास नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं पूरा रूट जो है मेरा पूरा शूट करूंगा। मैं जितनी भी सजावट की हुई है देहरादून में तो थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो। जाम कर दिया इन लोगों ने कि मैं पहले निकलूँ। सभी कोशिश कर रहे हैं कि अटकाने की, कोई नहीं, हम पीछे से निकल जाएंगे। ये समझदार लोग खड़े हुए हैं। थोड़ा सा आगे कर ले, मैं भी निकल जाता हूँ। वैसे तो ऐसा मैं निकालता नहीं इतनी नैरो उससे। ये दून दरबार है, यहाँ का फेमस नॉनवेज रेस्टोरेंट। ग्रेट
देहरादून बाइक का शोरूम खुला था यहाँ पे निकल गया फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा सा जाम मिलेगा, देखो एक या दो बार में निकल जाने के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ का, यहाँ के जाम का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि शाम के टाइम बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी फरवरी तक रुका हुआ है, कोई ट्रेन नहीं चल रही है वहाँ से। यहाँ पर रिनोवेशन वगैरह का डबल लाइन और रिनोवेशन कुछ काम चल रहा है वहाँ पे। फरवरी तक वहाँ से कोई ट्रेन नहीं चल रही, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। लेकिन अगर रुका हुआ है तो कुछ अच्छा ही होगा फरवरी में, पानी के लिए कुछ थोड़ा सफर तो करना ही पड़ता है। Beep!
जाके उछल के पड़ता आराम से। सहारनपुर चौक पे पहुँच गया हूँ, पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है।
क्या था कि रिकॉर्डिंग चल रही है, एक्चुअली मैं खो गया बुलेट चलाने में। अब मैं वैसे पहुंचने भी वाला हूँ, रेजोल्यूशन वगैरह तो खैर मैं बनाता नहीं है ऐसे। फ्रेंड्स ये मैं पहुंच गया हूं अपनी कॉलोनी। फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर एंड ओवर एंड आउट।